अपनी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा है। देखिए इस रिपोर्ट में। वोटिंग के बाद चलने लगे बयानों के बाढ़, बीजेपी का नाथ पर वार। 11 तारीख के बाद दिल्ली चले जाएंगे नाथ। प्रदेश में 28 सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है, अब इंतजार रिजल्ट का है। लेकिन वोटिंग के बाद भी नेताओं में जुबानी जंग नहीं थम रही। पूर्व सीएम कमलनाथ के जीत के दावे पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन पर तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 11 तारीख के बाद कमलनाथ यहां नहीं होंगे। कमलनाथ ने दिल्ली रवानगी के लिए मूवर्स एंड पैकर्स को बुला लिया है। पहले ही बैठ लेते तो शायद अभी नहीं बैठना पड़ता इतना लंबा। मैंने तो सुना है कार्यालय में कल मूवर एंड पैकर आ गया था, सामान पैक करने वाला। अब इतनी भी जल्दी क्या है घर जाने की, प्रतीक्षा करें 10 तारीख तक 11 को जाए। नरोत्तम के बयान के बाद कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया और कांग्रेस के जीत का दावा भी किया। नरोत्तम मिश्रा जी, कमलनाथ जी की फिक्र करना छोड़ दें, अपनी फिक्र करें। 20-25 दिन से वो गायब हैं प्रदेश के माहौल में से। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि गृह मंत्रालय क्या काम करता है। तो अब वो प्रदेश की जनता उन्हें बड़ा मिस कर रही है, तो वो जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसकी फिक्र छोड़ दें। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। दोनों दल का दावा है कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है और जनता उनके साथ है। बहरहाल 10 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसका साथ दिया और किस पार्टी पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, वंसल न्यूज।